पिछली प्रश्न वाली में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में दो पद है और पूरे की घात यन के रूप में है, जहां पर यन धनात्मक पूर्णांक, वैसे धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, लेकिन 11th क्लास में क्या हम धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं हम कि ए प्लस एक्स, ध्यान देना इधर, ए प्लस एक्स और ये पूरे की घात अगर एन है, जहां एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो उस केस में द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम को अगर एक्सपांड करेंगे या प्रसार करेंगे, तो प्रसार कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा था हमने, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी थ्री, एन सी फोर, और इसी प्रकार से डेज 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 कंटिन्यू, प्लस एन सी एन, चलिए एन सी एन भी लिख देता हूँ, एन सी एन और ए रेस टू दी, बस इतना है ना, एक एक करके बात करेंगे हम। यहाँ ऊपर एन है ना, तो एन सी जीरो, जीरो से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से, जीरो वन, एन सी टू, एन सी थ्री, एन सी फोर, एन सी एन, एन तक ख़त्म कर देना, जब ऊपर और नीचे एक जैसा आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो भी रहेगा उसकी पावर ए लिख देना है, ए की पावर एन, फिर एक एक पावर को कम करना है, एन माइनस वन, ए की पावर एन माइनस टू, ए की पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एन माइनस थ्री, एक एक कम करते 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 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ए की पावर जीरो हो जाएगी। बाद में क्या लिखा है, एक्स, तो एक्स की पावर जीरो, यहाँ एक्स की पावर वन, यहाँ एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, और सेम इसी प्रकार से एक्स की पावर बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगी, एक्स की पावर एन तक जाएगी। जितने भी पद है सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जितने भी पद है सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सिंपल काम है, कोई ऐसा रटना या बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको इसी प्रकार से एक सिक्वेंस से चलना है, एक प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आसानी से हमें फार्मूला भी याद हो जाता है। अच्छा, ये आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ विशेषताएँ दिखाई दे रही, देखिए ये कौन सा पद है, पहला पद है, ये कौन सा दूसरा पद है, ये कौन सा तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और डेज 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 ये कौन सा एनवा पद है ना, एनवा पद। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है ये बताइए। अगर पावर ए प्लस एक्स की पावर अगर दो है तो कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, इसको विस्तार करने के बाद। अगर ए प्लस एक्स की पावर अगर एन है तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी, एन प्लस वन पद हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी पावर रहती है उसकी अपेक्षा एक पद ज़्यादा हो जाता है, यहाँ जो भी पावर रहेगी उसकी अपेक्षा एक पद ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब n पावर है तो n प्लस वन पद हो गए, कैसे हो गए वो बातें हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है। ये जो पहला पद है ना इसको t1 मान लेता हूँ मैं, देखिए t1, ये दूसरा पद है तो इसको t2 बोल देता हूँ मैं, ये तीसरा पद है तो इसको t3 बोल देता हूँ, ये चौथा पद है तो t4 बोल देता हूँ मैं इसको, और ये nवां पद है, nवां पद थोड़ी है, n प्लस वनवां पद है, ठीक है ना, n प्लस वन पद है तो आखिरी पद कौन सा होगा, n प्लस वन वाई तो पद होगा ही नहीं। इसमें एक विशेषता दिखाई दे रही, क्या विशेषता दिखाई दे रही, क्या विशेषता दिखाई दे रही, यहाँ की अपेक्षा यहाँ एक कम है, देखिए यहाँ की अपेक्षा यहाँ एक कम है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ कम है, एक यहाँ की अपेक्षा यहाँ कम, हमेशा यहाँ की अपेक्षा यहाँ एक कम ही मिलेगा, क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर C यहाँ पर मैं अगर R लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, R लिख देता हूँ, तो मुझे एक बात बताइए कि कौन से पद में यहाँ पर R रहेगा, तो आप बोलेंगे कि R प्लस वन वा पद रहेगा, ये सही बोल रहा हूँ क्या मैं, अरे भाई यहाँ पर वन है तो ये जीरो है, एक कम है कि नहीं, यहाँ पर दो है तो यहाँ एक है, यहाँ तीन है तो यहाँ पर दो है, एक कम है कि नहीं, तो यहाँ पर R प्लस वन रहेगा तो यहाँ पर R रहेगा, इसकी अपेक्षा एक कम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर तो फिक्स है, n है, सभी में n है तो n ही रहेगा, जो भी इसकी पावर रहेगी वही रहेगा ऊपर, चलिए ठीक है, हमने एक एक चीज़ तो देख ली। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर दो है ना, दो है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कम हुआ है, यहाँ एक कम है, एक है तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कम हुआ है,
यहाँ पर तीन है तो n की पावर में से कितना कम हुआ है, दो कम हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर r प्लस वन है तो a की पावर में से n माइनस आर कम होगा, या तो ऐसा भी समझ सकते हैं आप दूसरे तरीके से। यहाँ पर जीरो है ना, तो n में से जीरो कम हुआ है। यहाँ क्या है, एक है तो एक कम हुआ है n में से। यहाँ दो है तो दो कम हुई है। तीन है यहाँ पर तो तीन कम हुए n में से, तीन कम n में से हुए। यहाँ r है तो r कम हो गए ये में से। अच्छा, ए की पावर में n में से इतने कम हो गए। और एक से की पावर देखिए, यहाँ जितना है उतनी पावर होती है एक से की। देखना, ये वन है तो एक से की पावर वन, यहाँ टू है तो एक से की पावर टू, यहाँ थ्री है तो एक से की पावर थ्री, तो यहाँ पर r है तो एक से की पावर r। समझ में आ गई बात। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हमें r प्लस वन वा पद ज्ञात करना है, r प्लस वन वा पद ज्ञात करना है तो ये वाला ज्ञात कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया 3x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और इसकी पावर 17 दे दी, आपको बोला कि भैया इसका 17वां पद ज्ञात कीजिए, 17वां पद ज्ञात कीजिए, तो 17वां पद क्या होगा? यहाँ पर r प्लस वन वा पद ज्ञात करना था तो ये आ गया। यहाँ 17वां पद ज्ञात करना है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी 17 और टी 17 बराबर से टी 16 धन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि r प्लस वन वा पद ये होता है। अब देखिए बराबर से फार्मूला क्या बोलता है, एन सी आर मतलब 17 सी, आर का मान कितना है आप 16 है। ठीक है, पहले की घात, पहला पद जो भी रहेगा ए की घात क्या होगा, ए की पावर यानी कि थ्री एक्स की पावर क्या होता है, एन माइनस आर मतलब एन का मान कितना 17, माइनस आर यानी कि 16 गुणित। समझ में आई बात, एन आर तो इनमें से इसको घटाओ, यहाँ पर 17 में से 16 को घटा देंगे, गुणित जो यहाँ पर रहेगा वो दूसरे पद की घात रहेगी, 2x की पावर 2 और इसकी घात कितनी रहेगी, 16 रहेगी। और इसकी गणना करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसका 17वां पद कौन सा है, काम की चीज़ हुई कि नहीं हुई। भाई ये आपका द्विपद प्रमेय इतना बड़ा बन रहा है, इसमें बहुत सारे पद आ रहे हैं, आपको पर्टिकुलर कोई पद अगर ज्ञात करना है तो आप बड़े आसानी से कर सकते ज्ञात। तो एक व्यापक पद का मतलब क्या हुआ, एक फार्मूला बन गया हमारे पास में और उस फार्मूले की मदद से हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आपसे बोला जाए कि भैया ये वाला पद निकालो तो इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। अब देखना फिर से और एक बार इसको नोट कर लीजिए आप, इतना है ना, ये नोट कर लीजिए और ये फार्मूला, व्यापक पद का फार्मूला नोट कर लीजिए। इसमें क्या बोला है, व्यापक पद एवं मध्य पद, व्यापक पद और मध्य पद। तो व्यापक पद का फार्मूला तो हमारे पास में आ गया, व्यापक पद को टी आर प्लस वन से प्रदर्शित किया जाता है, बराबर से ये हो जाता है कि एन सी आर और ए रेस टू दी पावर, किसका व्यापक पद, ए प्लस एक्स की पावर एन का व्यापक पद, ए रेस टू दी पावर एन माइनस आर और एक्स रेस टू दी पावर आर, ये व्यापक पद का फार्मूला बन जाता है। कैसे बना तो ये बात हमारे पास स्पष्ट है कि जो पद देखे थे हमने, पद के आधार पर आर और इसको डिसाइड कर दिया। अब मध्य पद की बात कर रहे हैं। मध्य पद को गौर करिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल बात करिए तो फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, और रटोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं इसमें। ठीक है ना, देखना मुझे एक बात बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी,
कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 सात पद हो गए। मुझे एक बात बताइए कि इसका मध्य पद कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे कि आधा इधर छोड़ दो, आधा इधर छोड़ दो, तो तीन इधर छोड़ देता हो, तीन इधर छोड़ देता हो, तो मध्य पद ये वाला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मध्य पद यही होगा कि नहीं? अब इस मध्य पद की क्या विशेषता है, ये बस इतनी सी बात देखना है आपको। क्या विशेषता है? यहाँ पर कितना है? सात है। ये कौन सा पद है? चौथा है ना। कौन सा पद है? चौथा है। 1 2 3 4 5 6 7 सीधी सीधी बात यह है कि सात में एक को जोड़ दिया और दो से भाग दे दिया, तो कितना हो गया? 8/2 यानी कि 4। चौथा पद, चौथा पद क्या हो गया? मध्य पद हो गया। आधे इधर छूट गए, आधे इधर छूट गए। बात समझ में आई? यदि पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या विषम है तब जितने भी पद रहेगी उसमें एक को जोड़ दो और दो से भाग दे दो, तो मध्य पद आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच है, पद कितने हैं? 2 4 6 8 आठ पद है यहाँ पर। पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या दिखाई दे रही है? 8 है। कि 8 का मतलब क्या है? सम है। अब मुझे एक बात बताइए कि मध्य पद बताइए क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर छोड़ दो, तो इधर चार को छोड़ देंगे, इधर चार पद छोड़ देंगे हम, 1 2 3 4 और इधर चार पद छोड़ देंगे। अरे मध्य पद ही नहीं है इसमें, तो मध्य पद ही नहीं, आधे इधर छोड़ दिए, आधे इधर छोड़ दिए, तो मध्य पद कहाँ से है? मध्य पद ऐसा नहीं होगा इसमें, ये दो मध्य पद आएंगे इसमें, नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब आधे इधर छोड़ दो, आधे इधर छोड़ दो, तो दो बीच में पद आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास में संख्या मतलब कितनी थी? 8 थी। ये कौन सा पद है? 1 2 3 4 चौथा पद है। हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि n डिवाइडेड बाय 2 और n डिवाइडेड बाय 2+1 वा पद, वा पद, और n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2+1 वा पद, ये दो पद इसमें क्या हो गया? मध्य पद हो गया। ये दो पद हो गए इसमें मध्य पद। आई बात समझ में? देखना, 8 है ना, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो कितना हो गया? 4। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा पद हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो पांचवा पद, चौथा और पांचवा पद मध्य पद हुआ कि नहीं? तो जब भी आपके पास में पदों की संख्या सम है, देखिए सम है पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है? सम है, तब तब मध्य पद, मध्य पद क्या हो जाएंगे? दो हो गए। क्या क्या? n बटे दो वा पद तथा तथा n बाय 2+1 वा पद। अरे भाई, हमें इस चैप्टर में क्या कैसी टेक्निक लगाई है, क्या निकाली है, उससे मतलब ही नहीं। जितना अभी तक पढ़ा उस आधार पर ही निकाल रहे हम, और प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि बीचवा पद निकल कैसे रहा, ठीक है ना। तो जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। जब पदों की संख्या सम हो तब ये दो पद निकलेंगे बीच वाले, और जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या, पदों की संख्या विषम है, विषम है, तब मध्य पद, मध्य पद क्या होगा? क्या किया मैंने? सात पद थे तो एक जोड़ दिया और दो का भाग दे दिया, मतलब से n प्लस वन, n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 वा पद। बस ये दो फार्मूले हमारे पास में निकल गया है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? लेकिन
यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ गड़बड़ है, ठीक है ना। हमें तो ये दिया जाएगा, हमें तो ये दिया जाएगा कि a प्लस एक्स की पावर n का मध्य पद ज्ञात कीजिए, मध्य पद ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला जाएगा, ऐसा बोला जाएगा भैया कि a प्लस एक्स होल रेस टू दी पावर n का मध्य पद ज्ञात कीजिए। अब n का मान सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, तो हमारे पास में दो स्थितियां बन रही है यहां पर। पहली स्थिति जब n क्या हो, का मान क्या हो, सम संख्या है, सम संख्या है, तब पदों की संख्या क्या होगी, n प्लस वन होगी। बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जितनी भी घात रहती है ना उसकी अपेक्षा एक पद ज्यादा होता है ना द्विपद प्रमेय में। जब द्विपद प्रमेय में विस्तार करते हैं तो एक पद ज्यादा होता है। भाई आपको मालूम है कि a प्लस बी होल स्क्वायर कितनी घात है, दो, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक दो तीन, तीन पद हुएगी ना। जब घात जितनी रहेगी उससे एक ज्यादा पद होता है, तो n रहेगी, n का मान अगर सम है, देखिए ना घात सम है तो विषम पद है, n प्लस वन क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा, विषम पद, पदों की संख्या क्या होगी, विषम होगी। अच्छा जब विषम है तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है, पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो विषम के स्थिति में क्या रहेगा, जितने भी पद रहेंगे उसमें एक को जोड़ दो और दो से भाग दे दो, यही करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे फिर से और एक बार, जितने भी पद रहेंगे, यहाँ पर n पद थे तो n में एक को जोड़ दिया और दो से भाग दे दिया, यहाँ पर कितने पद हैं, n प्लस वन पद है, तो मध्य पद, मध्य पद, चलिए कलर चेंज कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, इसी में कर रहा हूँ मैं, मध्य पद बराबर से क्या होगा, मध्य पद बराबर से जितने भी पद रहेंगे उसमें एक को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय टू वह पद। कहने का मतलब इसको अगर हल करेंगे तो n प्लस टू डिवाइडेड बाय टू वह पद। कहने का मतलब मध्य पद बराबर से n बाय टू प्लस वन वह पद। समझ में आई क्या बात, अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए आप। जब घात n है, जब घात n है तो, और n क्या है, सम संख्या है, n क्या है, सम संख्या है, तो n को दो से भाग दे दो और एक को जोड़ दो, दो से भाग दे दो, दो से भाग दे दो और एक जोड़ दो, तो वाला पद जो रहेगा इसका मध्य पद रहेगा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखना, अब दूसरी स्थिति जब, दूसरी स्थिति जब n क्या है, पहले सम रखा था, अब विषम, विषम संख्या है, तब पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी होगी, n प्लस वन। अरे भाई कोई भी सम संख्या है उसमें एक को जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिलती कि नहीं, आपको मालूम है कि 100 सम संख्या है इसमें एक को जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिलेगी, अगर 51 विषम संख्या है इसमें एक जोड़ देंगे तो सम संख्या मिलेगी 52। आई बात समझ में, जब n का मान, n का मान सम संख्या है तो इसमें एक को जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिलेगी क्योंकि पदों की संख्या n प्लस वन होगी, हाँ, तब मध्य पद, तब मध्य पद
तब मध्य पद। वैसे मध्य पद निकलता कैसे, n बाय टू जितने भी पद रहेंगे उसको दो से भाग देना है। कहने का मतलब हमारे पास में n प्लस वन पद है, उसको क्या करना है, दो से भाग दे देना है वह पद। और जितने भी पद रहेंगे उसको दो से भाग देना है और उसमें एक को जोड़ देना है, n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन वह पद। ये दो मध्य पद यहां पर आ जाएंगे इस स्थिति में, ठीक है ना। क्या क्या बातें समझ में आ गई, क्या क्या बातें समझ में आ गई। अब उदाहरण देखना, यहां पर मान लिया जाए उदाहरण यदि मान लिया जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय बी एक्स और इसकी पावर 26 है मान लिया जाए, तो मध्य पद ज्ञात कीजिए क्या होगा, मध्य पद क्या होगा। पहले ये बात देखिए कि मध्य पद कौन सा होगा। मध्य पद, पहली बात तो ये देखिए कि पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या सम संख्या होगी कि विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, तो मध्य पद केवल एक ही आएगा। तो मध्य पद बराबर से, मध्य पद बराबर से पदों की संख्या क्या है, विषम है। पदों की संख्या क्या है, विषम है। कुल मिला के जब भी यहां पर n रहेगा, घात n रहेगी, तो n डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या कर दो, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 वह पद, यानी कि 26 बटे क्या हो जाएगा, 26 बटे 2 प्लस 1 वह पद, ये हो जाएगा इसका मध्य पद। फिर से देखना, 26 तो ये हो गया 13, यानी कि 14 पद आपको कौन सा पद निकालना है, 14 पद ये वाला निकालना है। तो इसका जो मध्य पद होगा वो कौन सा होगा, 14 पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, अब ये बता दीजिए, ये वाला फार्मूला लगाएंगे फिर, व्यापक रूप वाला, व्यापक पद वाला। कौन सा पद निकालना है, 14 पद निकालना है, तो टी 13 धन 1 जो भी पद निकालना है उसमें क्या करेंगे, एक कम करके उसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। बराबर से देखिए, 26 CR C 13 और ए एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 26 ऋण 13 गुणित दूसरा पद कौन है, 1 बटे BX और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 13 हो जाएगी। बस ये हो जाएगा इसका मध्य पद। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से हमें क्या है, मध्य पद के स्थिति में, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर लिखना है तो लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में इस प्रकार से 14वां पद ऐसा लिख देना, T14 इज इक्वल टू ये वाला पद लिख लेना, तो ये हो जाएगा मध्य पद। समझ में आ गई बात, मध्य पद इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते। तो आपको ये दो फार्मूले याद रखना है बस, जब n सम संख्या है तो n बाय टू प्लस वन, और जब n विषम संख्या है तो n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू और n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, ये दो पद इसके क्या हो जाएंगे, मध्य पद हो जाएंगे, ठीक। इसी आधार पर पहले हम उदाहरण देखते, उदाहरण को प्रॉपर तरीके से समझिए और उदाहरण के बाद में फिर एक्सरसाइज को देखना, ये सारे क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है। तो उदाहरण भी सारे हल कर रहे हैं यहाँ पर, देखते हम उदाहरण। Thank you.